मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं इसे करके ही रहूँगा। इन तीनों में बहुत फ़र्क है। मैं कर सकता हूँ अच्छी बातें, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक स्टेप पर हमें आगे जाना पड़ेगा। मैं इसे करूँगा, लेकिन करूँगा में पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो काम मुश्किल हुआ या फिर अगर आप उसमें फेल हुए तो दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो आप उस काम को टालोगे या फिर आप उसे बीच में ही छोड़ दोगे। लेकिन जब अंदर से ये चीज़ निकलती है ना कि मैं इसे करके ही रहूँगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि मैं इसे करके ही रहूँगा फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वक्त लगेगा, दर्द होगा, फेल होंगे, काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, लोग हंसेंगे भी, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ना जाने कितने आंसू बहाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे करके ही रहूँगा। अरे मुश्किलें भी हार मान लेती है जब इंसान आखिरी दम तक हार नहीं मानता। अपने गोल को ऐसा रखो कि वो आपको चैन से बैठने ही ना दे। आप अपने कंफर्ट जोन में रह ही ना पाओ, ऐसा होना चाहिए आपका गोल। आपको हर वक्त अंदर से चुल मचनी चाहिए अगर आप फालतू बैठो तो। आपको अंदर ही अंदर तड़प मचनी चाहिए कि कुछ कर, यही टाइम है, चला गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। जो करना है वो कर। गुड से ग्रेट कैसे बनते हैं, अच्छे से महान कैसे बनते हैं, अच्छा तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन उस अच्छे की लिमिट को जो पुश करता है, जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश आप करते हैं, तब आप गुड से बेटर बनते हो, फिर और बेटर, फिर और बेटर, और तब जाकर आप गुड से ग्रेट बनते हो, यानी कि अच्छे से महान बनते हो। मुझे पता है कि आप बदलना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, आप कई बड़े बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जो आप पहले से जानते हो लेकिन अप्लाई नहीं करते हो, कि कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलोगे, कुछ बेहतर नहीं होगा जब तक कि आप बेहतर नहीं होंगे। आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी आपसे। वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर हमें फोकस करना है। लोग दूसरों के बारे में तो बहुत जानना चाहते हैं, लेकिन खुद के ही बारे में नहीं जानना चाहते, खुद को ही नहीं समझना चाहते। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपकी ही जिंदगी में मुसीबतें हैं, सिर्फ आपको ही पैसों की कमी है? नहीं, इस दुनिया में हर इंसान के साथ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो कि आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों के साथ उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें भी यही लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप भी हर बार यही रोने रोते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे हो रहा है तो होने दो। आप क्या चाहते हो कि आपकी जिंदगी कहानी ऐसी बने जिसमें कोई ट्विस्ट ना हो? आप पैदा हुए, मजे करे और मर गए, कौन पसंद करेगा इसी कहानी को? अरे कौन क्या, आप खुद अपनी कहानी को पसंद नहीं करोगे? आप खुद कहोगे कि हर साल मजा ही नहीं आया जिंदगी में, क्या जिंदगी थी? क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान हार जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं? तुम बहाने बना कैसे सकते हो अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम इतने बड़े बड़े सपने देखते हो तो? सोचेंगे कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे लेकिन उठ नहीं पाते, बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाते, नाम इज्जत पैसा सब कुछ चाहिए लेकिन उसे पाने के लिए जरा सी तकलीफ नहीं उठा पाते। और इस वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कमज़ोर नहीं समझदार बनो, बातें कम और काम ज़्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है।